माता पिता गुरुआत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रस्त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुं प्रणम्य सिद्धाश्रमो त्वं गुरुं प्रणम्यं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, मातंगी माता की जय, भगवान परशुराम की जय, सूर्य भगवान की जय हो। बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग मॉडर्न साइंस के हिसाब से डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग फेसबुक पर देखने का प्रयास कर रहे हैं, कोई डीओ में जुड़ रहे हैं, कुछ और तरीके से जुड़ रहे हैं, और साइंस का पूरा उपयोग करने की कोशिश हम लोग भविष्य में भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। इसमें जो कुछ भी न्यूनताएँ लगे तो आप लोग लिख करके या कॉल करके सजेस्ट करिएगा, ताकि नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम हो तो ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन आपके सामने आ सके। एक बार फिर बोले मातंगी माता की जय। आज बहुत ही महान दिवस है, अक्षय तृतीया का महान योग, और मातंगी माता की अपीयरेंस की तिथि। ऐसे तो कहते हैं जन्म तिथि, लेकिन जन्म तिथि लोग का होता नहीं है, इसको प्राकट्य दिवस बोला जाता है या आविर्भाव दिवस, अपीयरेंस डे। तो आज मातंगी माता का अपीयरेंस डे है, और आज ही भगवान परशुराम का भी अपीयरेंस डे है। परशुराम नारायण के अवतार हैं, विष्णु भगवान के। मातंगी तो किसी के अवतार नहीं, तो आदि शक्ति ही है, और हम लोग महाविद्या के साधक हैं, महाविद्या ग्रुप में हैं, बगलामुखी शक्तिपीठ के उपासक हैं, तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान महाविद्याओं के बारे में होना चाहिए। एक ही शक्ति अनेक अनेक रूपों में प्रकट होती है। जिस समय ब्रह्मांड में जिस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है, या तो निर्माण के लिए कुछ, या उसके संरक्षण के लिए, या उसके संहार के लिए, क्योंकि पूर्व ब्रह्मांड में शक्तियों का खेल तीन ही है, और तीन ही शक्तियाँ ही हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, और ये सारी शक्तियाँ तीनों गुणों के आधार पर ही काम करती हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तीनों गुणों में इम्बैलेंस होता है, जब उनका अनुपात गड़बड़ाने लगता है, तो जितने भी जीव जंतु प्राणी ब्रह्मांड में, सबकी बुद्धि ऊपर नीचे होती है, इम्बैलेंस वो भी होने लगती है। तो कभी कभी जब तमोगुण बहुत बढ़ जाता है तो आश्रित वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं, कभी कभी रजोगुण बहुत बढ़ जाता है, अन्य वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं, और कभी कभी केवल सत्वगुण ही एकदम बढ़ जाता है, तो बाकी काम सब ठप हो जाते हैं। तो बैलेंस रखने के लिए टाइम टू टाइम ईश्वर को अलग अलग प्रकार के अवतार लेने पड़ते हैं, जब जैसी आवश्यकता तब ऐसा अवतार। ऐसा नहीं कि एक ही अवतार हमेशा काम आएगा, इसलिए विष्णु भगवान को भी बहुत अवतार लेने पड़े, शिव को भी लेने पड़े, हर एक को लेना ही पड़ता है, और आदिशक्ति के अवतारों की गिनती संभव ही नहीं है। तो उसी सृष्टि की निर्माण से लेकर के सृजन से लेकर के, और उसके संचालन और अस्थायित्व सुरक्षा से लेकर के संहार तक की सारी प्रक्रियाओं को करने में 10 महाविद्याओं का प्रकटीकरण हुआ। उसमें से आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, माता भगवती मातंगी है, जिसको हम 9 नंबर की महाविद्या मानते हैं। 9वें नंबर पर मातंगी आती है। मातंगी माता के बारे में हमने बहुत से प्रवचन दिए पुराने, 9-9 दिन के शिविर में बहुत टॉक्स हैं,
तो जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट हो पुरानी टॉक्स में जा कर के उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज तो ब्रीफ टॉक ही है। सर्वप्रथम हम माता मातंगी के गुणों की चर्चा कर लेते हैं। मातंगी का अर्थ होता है कि माँ के समान। मातंगी का जो पहला अक्षर है वह माँ है, मदर जिसको हम बोलते हैं, मातृत्व। तो इसका तात्पर्य यह कि पूर्ण मातृत्व को अपने अंदर समेट करके, और तम कहते हैं जीवन के सारे पक्ष को, डार्क साइड को या नेगेटिविटीज को। तमसोमा ज्योतिर्गमय हमारे शास्त्रों में परिभाषा आती है कि ईश्वर हमको आप अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलें। तो अंधकार पक्ष को जो है तमोगुण ही माना जाता है, या आप उसको बोल सकते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ या नेगेटिविटीज, या डेमोनिक फोर्सेस, शैतानी शक्तियाँ, असली वृत्तियाँ, दैत्यों की वृत्तियाँ, जो भी हो, तो उन सबको काट करके दूर कर दे जो, वो तम अक्षर के द्वारा इंडिकेट होता है। और गी कहते हैं गुरु तत्व को गीर्वाण रूपेण, क्योंकि गीर्वाण रूप से ही सारी शक्तियाँ समझ में आती हैं, समझाई जा सकती हैं और जीवन पूर्णता को प्राप्त होता है। गीता में भी पहले गी शब्द ही आता है। तो ये तीनों अक्षरों को मिला करके माँ, संक्षिप्त व्याख्या दी। मातंगी माता भगवान शिव के साथ रहती हैं। सारी माँ विद्याओं के एक शिव स्वरूप होते हैं, तो मातंगी के भी एक शिव स्वरूप हैं, सबके एक शिव स्वरूप हैं। इनके साथ जो शिव का स्वरूप चलता है उसको बोलते हैं मतंग शिव। मातंगी माता का जो मेन पक्ष समझाया जाने लायक आवश्यक है वह ज्ञान, क्योंकि इनको सरस्वती भी कहते हैं, इनको श्यामला भी कहते हैं, और इनको राजराजेश्वरी साधना भी कहा जाता है। तो राजराजेश्वरी साधना के अंतर्गत महाविद्याएँ आती हैं, जिसमें बगला भी राजराजेश्वरी है, श्री विद्या भी राजराजेश्वरी है, मातंगी भी राजराजेश्वरी है। तो उस राजराजेश्वरी साधना को करने से पहले उनके स्वरूप को जब आप चित्र में देखेंगे तो सब कुछ समझ में आता है। श्याम रंग जो है वो एक्सपेंशन स्काई, जो आकाश का जो कलर दिखता है उसको हम श्याम रंग बोल सकते हैं। तो कृष्ण का भी श्याम रंग है, विष्णु का भी श्याम रंग है, राम का भी श्याम रंग है। मतलब कि क्लियर स्काई को देखें और उसको ओशन में देखें, जो रिफ्लेक्शन प्रकट होता है वो श्याम वर्ण कहा जाता है। तो ये मातंगी का एक्सपेंडेड स्वरूप भी है, और शांति का रंग वही माना जाता है श्याम। और मातंगी माता के साथ एक तोता दिखाया जाता है, पैरट। पैरट जो है वो मिठास का प्रतीक है, स्वीटनेस ऑफ द टंग। आपकी वाणी जो भी निकले मिठास से भरी हो एकदम। तो कृष्ण भगवान के अंदर मातंगी माता के सारे गुण थे, उन्होंने मातंगी को सिद्ध किया। और कृष्ण भगवान के बारे में एक लाइन आती है कि मधुरम 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 मधुराधिपते मधुरम मधुरम। और उनके बॉडी के हर पार्ट को कहा जाता है अधरम मधुरम, नेत्रम मधुरम, वदनम मधुरम। मतलब उनका हर बॉडी पार्ट जो है बहुत मधुर है। मधुर मीन्स जस्ट लाइक समथिंग हनी या स्वीटनेसफुल, जहाँ हो मिठास से परिपूर्ण, मिश्री की डली जैसा, उसको मधुर कहते हैं। वास्तव में मधुर शब्द तो शहद का ही होता है, मधु। मधु मीन्स हनी मीन्स शहद। तो मधु का जो स्वाद है वही मधुर है, लेकिन मधु का अर्थ लोगों ने उल्टा भी लगा लिया, मधुशाला बना दिया, शराब बना दिया, तो वो अर्थ यहाँ नहीं है। जो रियल हनी है उसका जो मिठास है वो मधुर है, आप वो मान के चलें। मधुराधिपते मधुरम मधुरम, कि हे भगवान भी माधुर्य है जीवन का, उन सबके आप अधिपति हैं, पर वो पूरा अधिपत की शक्ति जो आती है माता के माध्यम से। तो मातंगी वशीकरण की देवी। जितने गुण आपने कृष्ण में सुने हैं, समझे, जानते हैं, सारे गुण मातंगी में हैं। आँखों की चमक, सौंदर्य, आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, और 16 कला, जिसमें परिवार में
कई पत्नियों के साथ भी सामंजस्य है भगवान श्री, लेकिन गृहस्थ सुख में तो पूर्ण सुखी नहीं रहे वो, लेकिन कृष्ण तो पूर्ण गृहस्थ भी नहीं रही है, 8 भी रही हैं, 16,000 भी रही हैं, पर 16,000 भोग्या जैसी नहीं रही हैं। वैसे भी भगवान क्या ये सब भोग्या जैसा कोई भाव पत्नी के प्रति होता नहीं है, ये तो सब शक्तियाँ ही होती हैं उनकी। तो मातंगी के भी 8 अलग अलग स्वरूप, उनकी व्याख्या इस समय तो संभव नहीं है, पर मैं संक्षेप में आपको एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। कृष्ण के अंदर भी पूर्णता का है, 16 कला संपूर्ण होने का गुण, वो सारा का सारा गुण अगर आपको अपने जीवन में चाहिए और आप चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाएं उनके समान, तो आपको मातंगी साधना अवश्य करनी चाहिए। माता मातंगी मिठास की देवी है, मिश्री की डली है, सरस्वती है, वाणी की देवी है, ज्ञान मुक्ति की देवी है, भोग और ऐश्वर्य देने की देवी है, हर प्रकार से संपूर्ण है। तो आप मधुरता चाहते हैं अगर, और खास करके हम सब लोग गृहस्थी में हाउस होल्ड पर्सन से हम सभी, तो गृह जीवन वालों के लिए मातंगी तो बहुत ही आवश्यक तत्व है। मातंगी या कोई भी एक जब शक्ति खड़ी होती है तो उसकी विरोधी शक्ति भी ब्रह्मांड में पहले से ही रहती है या फिर खड़ी भी होती है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसकी अपोजिट शक्ति न हो। आपको हमेशा यह बात चाहिए, हर जगह ड्यूलिज्म है, दिन है तो रात है, गर्मी है तो सर्दी है, सुख है तो दुख है, उसी देवता हैं तो असुर हैं, उसी तरह से मातंगी है तो मातंगी की अपोजिट शक्तियाँ भी हैं। अब हम ये मान के चलें कि मातंगी पूर्णता देती है, के पूर्णता देने की बाधक शक्तियों का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। मातंगी के साथ शीतला चलती है, ललिता ये सब सौंदर्य की देवियाँ, शीतल शांत एकदम प्रसन्न, मातंगी के सर पर भी चंद्रमा रहता है, इनकी विरोधी शक्ति धुमावती है। और मातंगी गृह सुख की देवी है, मिठास की देवी है, यहाँ कला है नहीं। लक्ष्मी वहीं रहना चाहती है जहां बिल्कुल शांति हो, अर्थात जहां मातंगी का आश्रय है आधार, वहीं लक्ष्मी श्री विद्या ललिता के रूप में, कमला के रूप में या लक्ष्मी के अनेकों रूप है उस रूप में रहेगी। और जहाँ धुमावती जहाँ स्वरूप प्रकट होने लगा, झगड़ा कलह परिवार में कोई प्रेम नहीं, तूफान गंदगी विभत सब कुछ, धुमावती तो एकदम विधवा जैसी मानी जाती है, उसके बाल बिखरे हुए माने जाते हैं सब, उनके स्वरूप को देखो। वास्तव में धुमावती ऐसी नहीं है, धुमावती बड़ी भारी कल्याणकारी शक्ति है, वो प्रसन्न होती है तो उससे अधिक कल्याण कोई नहीं कर सकता, लेकिन प्रसन्न होना पड़ता है ना, करना पड़ता है, शनि है राजा ही बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक बनाते हैं। तो जो आपको निगेटिव फोर्सेस लगते हैं वो भी वास्तव में कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हैं, लेकिन आपकी बुद्धि तो अपने हिसाब से पॉजिटिव निगेटिव कैलकुलेशन करती है। उस आधार पर आपको समझा रहा हूँ कि मातंगी की साधना करके उनका आशीर्वाद लेकर के धुमावती को भी मना लेना चाहिए। और गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख जिसको कहते हैं, पति पत्नी का प्रेम, उस 8 महालक्ष्मी के सुखों में अक्सर मैं गिनाता हूँ, तो पहले स्वास्थ्य लक्ष्मी, फिर अखंड दाम्पत्य लक्ष्मी, तो दूसरे नंबर की लक्ष्मी जो है वो अखंड दाम्पत्य सुख है। मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप वेरी पीसफुल, जहाँ किसी प्रकार का अभाव न हो, और अगर अभाव आवे, कोई चीज़ की कमी हो, स्कैरसिटी हो, तो तुरंत उसको दूर होने का रास्ता भी होना चाहिए, या वो सामर्थ्य, वो पावर, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि इस न्यूनता को, इस कमी को, इस कैपेसिटी को हम तुरंत काट के, ये भाव रख करके साधना में बैठना चाहिए। तो मातंगी के बारे में एक छोटी सी साधना विधि बता दे रहा हूँ। अपने घर में, पूजा स्थल में मातंगी का यंत्र आवश्यक है, मातंगी की साधना के लिए स्फटिक की माला आवश्यक है। अगर स्फटिक की माला किसी वजह से नहीं मिल सके तो रुद्राक्ष भी ठीक, यंत्र होना चाहिए, माला होनी चाहिए। मातंगी माता के लिए कलर रंग जो है, या श्याम वर्ण के कलर आप, या ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनका प्रमुख कलर जो है वो पर्पल ही है, या
इस कलर के वस्त्र वगैरह पहन के ऐसे आसन लेकर के आप इनकी साधना करें। मुंह होना चाहिए उत्तर और पूर्व की तरफ। मिनिमम 41 डेज 30 माला पर डे अगर आप साधना करते हैं तो मातंगी का पूरा क्षण मान लिया जाता है कि 41 डेज मल्टीप्लाइड बाई 30 माला पर डे ये सब पकड़ के 1210 माला हो जाती है, तो लगभग आपका 1.25 लाख मान लिया जाता है, एक पूरा क्षण पूरा वो हो जाता है। हर व्यक्ति को मातंगी साधना अवश्य करनी चाहिए क्योंकि उसके बिना जीवन में पूर्णता संभव नहीं। पति पत्नी का कलह, और जिनकी शादी नहीं हो, शादी में जितनी बाधाएं हों, बार बार तलाक हो रहा हो, कई लोग 5-5, 6-6 शादी करते फिर भी एक भी नहीं टिकती है, इनसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। पर वो समझते हैं कि हमारे भगवान ने कई पत्नी के साथ रह लिए, पर ये तो नरक गामी जीवन है क्योंकि किसी से संतुष्ट नहीं, किसी से खुश नहीं। अब 5-6 शादी की 6 के बच्चे हो गए, उनसे भी खुश नहीं, तो आप खुश कभी हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुखों का सारा अभाव है। वही व्यक्ति सुखी है जिसके जीवन में अगर एक पत्नी है तो एक से भी संतुष्ट है, एक बच्चा है तो एक से भी संतुष्ट है, उसको हाय हाय खाय खाय नहीं लगी है, प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम की देवी केवल मातंगी, और प्रेम नहीं है तो ईश्वर प्रकट होने वाला नहीं है, और मातंगी ही माँ विद्याओं में गुरु तत्व का आधार। तो बिना मातंगी को सिद्ध किए आप सिद्धाश्रम प्रवेश नहीं पा सकते। सिद्धाश्रम प्रवेश की कंडीशन है हम किसी सिद्धाश्रम वाले गुरु के साथ रहना 60 डेज तक, दूसरा 2 महाविद्याओं में पूरी तरह पारंगत होना, सिद्ध होना, जिसमें एक मातंगी एक कोई भी हो सकती है। मतलब हर प्रकार से सिद्धाश्रम एंट्री के लिए मातंगी कंपल्सरी पार्ट है। तो आप उस साधनाओं को सीखें, मातंगी की दीक्षा लें। आज दिन भर कम से कम जितना अधिक सके मातंगी माँ का जप करें, शुद्ध भावना रखें। आज तो क्रोध बिल्कुल प्रकट न करें, और अगर आपके मन में किसी के प्रति क्रोध बहुत दिनों से चल भी रहा हो, उस क्रोध को भी निकाल दें, उसको दिल से क्षमा करें, आने वाले क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने में आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है। सचमुच क्षमा कर देता है वो, क्षमा मांगने वाले से भी बड़ा होता है। इसलिए शास्त्र कहता है क्षमा बड़न को चाहिए। उम्र में बड़े हैं और जो ज्ञान में बड़े उनको बड़ा माना जाता है, केवल उम्र का बड़ा ही बड़ा नहीं होता है। तो क्षमा जो करता है वही बड़ा माना जाता है, और क्षमा जो मांग लेता है वो क्षमा करने के लिए वो भी धीरे धीरे पक्का होने लगता है। अर्थात बड़ा बनना है अगर तो आपको क्षमा वाला गुण अपने अंदर टोटली आत्मसात करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, क्वालिटी दिखनी चाहिए, और क्षमा मांगने या क्षमा करने में समय नहीं लगना चाहिए। ये नहीं कच्चा सोचेंगे, विचार करेंगे ऑन द स्पॉट, तो जो तुरंत जो फैसला कर वो महाविद्याओं का साधक होता है। क्योंकि महाविद्या में काली माता के बाद तारा आती है, तो तारा तर्क की क्षमा या निर्णय वो तारा ही कराती है। तो वहाँ से चलते चलते मातंगी पहुँचेंगे, सीधा मातंगी नहीं जा सकते। और जब तक मातंगी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उसका पूरा आशीर्वाद लेके आप कमला में नहीं जा पाएंगे। और कमला मतलब कल्पना कर सकते हो सब कमला है। तो ये आप आज के लिए आपको हमने थोड़ा ज्ञान दिया मातंगी का, और अभी संपूर्ण रूप से मधुर मधुरम 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 आपको लगे कि आप के अंदर नहीं है, नो बिटरनेस इन योर लाइफ। कम से कम एक दिन तो ऐसी प्रैक्टिस करो, 24 घंटा बिल्कुल ट्राई टू प्रैक्टिस। अगर एक दिन नहीं रह सकते तो 1 घंटा ही रहो, 20-25 मिनट ही रहो। कल लेंगे ना कि आज मुझे ऐसा बनना है, तो प्रकृति के हर आपका टेस्ट लेना शुरू कर देगी। पर आपको ये मान के ही चलना है कि जीवन का एवरी मोमेंट आपकी परीक्षा ही चल रही है। परीक्षा असुर भी ले रहे हैं, परीक्षा परिवार भी ले रहा है, परीक्षा दुर्बुद्धि भी ले रही है, परीक्षा देवता भी ले रहा है, और परीक्षा वह शक्ति भी ले रही है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, और परीक्षा गुरु भी हर पल लेता ही रहता है, समझ में आवे चाहे समझ में नहीं आवे। तो सारी परीक्षाओं में पास होने के लिए मातंगी माँ आपके साथ रहे। मैं मंत्र मातंगी माता को बोल दे रहा हूँ, मंत्र ओम ह्रीम क्लीम
ओम महातंगियई फट स्वाहा। बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि ये ऐसा मंत्र है, इसे नमः नहीं है, केवल फट भी नहीं है, केवल स्वाहा भी नहीं है, और कहने को मातंगी मिठास की देवी है, मधुरता की देवी है। अरे फट और स्वाहा ओम ये सब तो मधुर देवी देवताओं के तो नहीं माने जाते, ये उसमें तो नमः ही होता है। तो ये इस मंत्र का निर्माण कैसे हुआ, किस आधार पर यह मंत्र प्रकट हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मातंगी अपने पूर्ण मिठास के साथ ह्रीम क्लीम, ह्रीम मतलब भुवनेश्वरी की शक्ति, भुवनेश्वरी मतलब जो कुछ ब्रह्मांड में सृजन हुआ रहने लायक, भुवन 14 भुवन, उस सबको पाल पोस के भी और उस आधार को भी सुरक्षित रखती है, वो भुवनेश्वरी की शक्ति मानी जाती है। तो उससे चलते हुए क्लीम, क्लीम मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारे जीवन में कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स आ रही हैं, और क्लीमी सम्मोहन वशीकरण का बीज मंत्र है, क्लीमी का मख्या का आकर्षण वशीकरण सम्मोहन है, सब कुछ है, और क्लीमी काम बीज भी है, क्लीम को काम बीज कहते हैं, कामदेव वाला भी, कामना वाला भी, इच्छा वाला भी, जो भी आप समझें, और क्लीमी कृष्ण का भी बीज है। तो इस मंत्र में ओम लगा हुआ है, ह्रीम क्लीम होम, होम का तात्पर्य कुंडलिनी जागरण, शक्ति का विस्फोट जागरण, मातंगी शब्द तो हमने बता दिया, ओम ह्रीम क्लीम होम मातंगी फट स्वाहा। और कल मैंने कहा था कि मतंग का तात्पर्य एक शेर भी होता है, तो शेर के समान जीवन में बिल्कुल भय रहित होना चाहिए। मातंगी माता के साथ होम फट स्वाहा, ये तो असुरों के आश्रित शक्तियों के संहार के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना फैलती है, लोगों के अंदर भ्रम है। मातंगी माता के साथ एक साधना चलती है, उच्चिष्ट चांडाली मातंगिनी साधना, और बहुत से लोग इसी साधनाओं को रिकमेंड करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे बहुतों को फोन आया, गुरु जी हमको ये साधना करनी है, और प्रचार करने वाला ऐसा कहता है कि बड़ी तीव्र साधना बहुत अच्छी फल देगी, पर मेरे अनुभव में गुरु परंपरा से या माता के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त है, ये साधना गृहस्थों के लिए और जो शुद्ध सात्विक दक्षिण मार्ग पर चलने वाले हैं उनके लिए उचित नहीं है। मातंगी माँ स्वयं कहती है कि मैं मातंगी तो मिठास सौंदर्य की देवी हूँ, ज्ञान की, इसमें ये सब चीज़ कहाँ से घुस गया ही? अगर मैंने अपने जीवन में किसी समय कुछ काल के लिए ये स्वरूप धारण किया कुछ शत्रु काटने के लिए, तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि मेरी वही साधना करनी चाहिए। और उस साधना में लोग कहते हैं कि जूठे मुँह रहो, थाली में खाना खाते टाइम प्लेट में जूठा जो हो उसी में मंत्र लिखो, जूठे मुँह से मंत्र का जप करो। माँ बोलती है सब सात्विक साधना के अंग ही नहीं है, हर अवस्था में शुद्ध सात्विक हाथ पांव धो के आचमन के, यहाँ तक कि हमारी कल्चर में तो 3 बार आचमन करने के बाद ही प्रणाम किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो शुरू होता है, इतनी शुद्धि की जाती है। और आजकल सारी दुनिया कोरोना शुद्धि चिल्ला रही है, हिंदुओं की हिंदू सनातन संस्कृति तो हमेशा ही ये भी दो, हाथ भी दो, मुंह भी दो, पांव भी दो, 3 बार आचमन करो तब जाके किसी को प्रणाम करो, कुछ करो। और हिंदू संस्कृति में प्रणाम तो ऐसा भी नहीं है, शिष्य गुरु इनमें प्रणाम होता है दंडवत पूरा लंबा लेट के, बड़ी मोस्ट साइंटिफिक पद्धति हम लोगों की है हिंदुओं की। तो आप लोगों को इन विषयों का ध्यान रखना चाहिए कि इस उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी साधना के चक्कर में आप लोग ना पड़े। वो साधना औगड़ वगैरह करते हैं, उनका खान पान उनकी दिनचर्या वो अलग है, वो गृहस्थ में नहीं रहते। अगर आप अपन परिवार में जूठी प्लेट में सब करने लगोगे जूठे मुँह, तो पूरा परिवार आपको गाली देना शुरू कर देगा, बोले के जाओ पहले मुँह धो फिर बैठो, समझे कि नहीं? क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद मुँह धोना, माउथ वॉशिंग आफ्टर फूड इज वेरी कंपल्सरी, और उसमें भी हमारी सनातन संस्कृति में नंबर ऑफ काउंट्स लेके इतनी बार मुँह में पानी लो, इतनी बार कुल्ला करो, 40-40 times तक का मेंशन है कि 30-40 बार मुँह में पानी लीजिए, अच्छी तरह उसको रगड़िए, साफ कीजिए। तो इतना शुद्ध संस्कृति के लोग उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी साधना चक्कर बिल्कुल न पड़े, ये उचित नहीं है। फिर भी किसी को शौक हो अगर औगढ़ परंपरा में, भाई करे सो करे। बोलिए मातंगी माता की जय, और
यंत्र तो कंपलसरी, अगर इस समय आप यंत्र नहीं ले सकते तो मानसिक रूप संकल्प ले लें कि हे माता हम जब भी हो सकेगा यंत्र मंगा करके आश्रम से अपना स्थापित करेंगे। और एक चीज़ ये है कि हर साधना के बाद उस देवता को कुछ न कुछ समर्पण करने का विधान है, उसका भी संकल्प लेते रहना चाहिए। और गुरु को संतुष्ट किए बिना कोई साधना कभी फलित नहीं होती, तो हर साधना के साथ गुरु को भी और गुरु के कार्य को भी आगे बढ़ाने का संकल्प होता रहना चाहिए। उस निमित्त भी जिससे जो प्रकार की सेवा बनती है उसका संकल्प लेना चाहिए, जब समय उपलब्ध हो, जब साधन हो, तो उस कार्य को सहयोग देना चाहिए। हर साधक का धर्म बनता है कि आश्रम के निर्माण के लिए, उसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, और अब उनके खुद के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी मातंगीमय बनाने का प्रयास करते रहें। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल होंगे, और जो केवल अकेला चुपचाप सारा ज्ञान लेके बैठ जाएगा उसके ऊपर कोई देवी देवता जल्दी कृपा नहीं करते। बोलिए बगला माई की जय। मेरा आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। गुड लक टू एवरीबॉडी। मातंगी माँ की जय। बस।